हेलो गाइस, सो आज बात करते हैं ब्रेक स्विच पे कि ब्रेक स्विच का काम क्या है और ब्रेक स्विच कितने तरह से काम करता है और इसका काम क्या है। ये तो आप सभी जानते हैं कि ब्रेक स्विच का काम है कि ब्रेक लाइट को ऑन ऑफ करने का काम है बेसिकली। तो ये जो इसके अंदर की रोड है ये इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करती है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ इस तरह से मूव करती है। लेकिन ये तो एक बेसिकली बात होगी कि ब्रेक लाइट को ऑन करता है, लेकिन ब्रेक लाइट के साथ साथ इसके और भी काम हैं। तो जैसे कि अगर गाड़ी के अंदर ABS सिस्टम है तो ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए भी ये काम करता है, और अगर गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल है तो गाड़ी के अंदर अगर क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है तो भी इसका बहुत रोल है। तो चलिए आज बात करते हैं कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये 4 पिन का मेरे पास ब्रेक स्विच है, तो इसमें 2 पिन ब्रेक लाइट स्विच के लिए यूज की गई हैं और 2 पिन इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए यूज की गई हैं। यदि तो अगर ट्रैक्शन होता तो ट्रैक्शन के लिए भी इसमें एक वायर होता जो कि सीधा ECU को जाता, जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है और कैम के थ्रू सब जगह सिस्टम फैला हुआ होता है। तो अब ये बेसिकली करता क्या है, अब ये जो स्विच है, जो इस पोजिशन पर ब्रेक स्विच है, ये ब्रेक स्विच एक्टिवेट है। ये एक्टिवेट ब्रेक स्विच है, जब तक आप इसको प्रेस नहीं करोगे तब तक ये एक्टिवेट रहेगा। तब जब ये प्रेस हो जाएगा, ऐसे जैसे आप ब्रेक पटरी को इस तरह से छोड़ते हैं तब ये डिप्रेस हो जाता है, और जैसे ही डिप्रेस होगा तो ब्रेक लाइट कट ऑफ हो जाएंगी, ब्रेक लाइट ऑफ हो जाएंगी। और जैसे ही आप ब्रेक पटरी को दबाएंगे और ये आपकी जो आपकी रोड बाहर निकलेगी वैसे ब्रेक लाइट ऑन हो जाएगी। सो बेसिकली एक तो ये काम हो गया इसका, ब्रेक लाइट को ऑन ऑफ करना। एक दूसरा काम होता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए काम करना, जो ABS के अंदर जो जो प्रेशर सेंसर लगा हुआ होता है कि पेडल पे कितनी कितना प्रेशर है, सो उसको उसकी रीडिंग भी ये ABS यूनिट को देता है। तो इस पर एक तो सीधे पाँच सॉरी एक तो सीधे इस पर 12 वोल्टेज आते हैं, एक इस पर ग्राउंड का तार होता है, एक इस पर सीधा ब्रेक लाइट के लिए तार जाता है और एक सीधा जाता है ABS यूनिट के लिए। यदि तो अगर इसके अंदर गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल होता तो एक वायर क्रूज़ कंट्रोल के लिए भी होती है। तो मैं इसको थोड़ा चेक करने का तरीका बता दूं, तो जैसे कि अभी ये ब्रेक स्विच एक्टिवेट है, जब ये ब्रेक स्विच एक्टिवेट होगा तब आपकी ये 2 पिन यहाँ पे कंटिन्यूटी आ जाएगी। तो अगर ब्रेक लाइट नहीं जल रही है तो सबसे पहले कई सारी चीज़ें चेक करने की होती हैं। सबसे पहले देखना चाहिए कि ब्रेक लाइट का फ्यूज़ तो नहीं उड़ा हुआ, यदि अगर फ्यूज़ भी ठीक है उसके बाद में आप बल्ब चेक कीजिए, अगर बल्ब भी आपका ठीक है फिर आप इसकी वायरिंग का कनेक्टर चेक कीजिए, वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक कीजिए। जब अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप ब्रेक स्विच को फाइनली बाहर निकाल के, और ऐसे ही जब ये एक्टिवेट रहेगा तब आपको ऐसे करके इसके सिरे पे, इसके दोनों सिरे पे आपको मल्टीमीटर लगा लेना है, और मल्टीमीटर को सेट कर लेना है कंटिन्यूटी पे। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर बीप बोलने लगा मल्टीमीटर के अंदर। तो जैसे ही आपने 2 टर्मिनल इसके आपस में मैच किए, सॉरी आपस में, तो आपने इस पर दोनों को ज्वाइंट किया तो वैसे ही बोलने लगा। यदि अगर ब्रेक स्विच एक्टिवेट है तब ये नहीं बोलेगा। आप देख सकते हैं ये बंद हो रहा, ये बंद हो गया, ये बोल गया, यानी कि अब ये डीएक्टिवेट हो गया, अब एक्टिवेट हो गया, यानी कि अब लाइट जल रही है। इस पोजीशन पर लाइट जलेंगी और इस पोजीशन पर लाइट बंद हो जाएंगी। तो जैसे ब्रेक पेडल वापस आता है तो ये लाइट बंद हो जाती है, और जैसे ही हम दबाते हैं, ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो ये बाहर आ जाती है और ब्रेक लाइट एक्टिवेट हो जाती है। तो बस बेसिकली बस यही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था ब्रेक स्विच के बारे में। बाकी तो बहुत लंबी इसकी कहानी है ब्रेक स्विच की, कैसे कैसे कंट्रोल करता है, इसको कैसे सेट करते हैं। चलिए थोड़ा सा बताऊं मैं इसको कैसे सेट करते हैं, क्योंकि बेसिकली सभी कंपनी का अलग अलग है, जो जर्मन अलग है, जर्मन की टेक्नोलॉजी, सभी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि किस कंपनी ने किस तरह का ब्रेक स्विच यूज किया। तो इस ब्रेक स्विच में बेसिकली आप कैसे कैसे इसको सेटिंग करनी है, क्योंकि हमको चाहिए नॉर्मली, जब नॉर्मली प्रेशर कितना होना चाहिए, 0.33 इसका नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे सेट करते हैं मैं ये बता दूँ। इसके अंदर टोटल 9 क्लिक हैं, तो आप देख सकते हैं 9 क्लिक हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्लिक आ गई इसकी, ये पूरा बाहर आ गया। अब हमको उसको सेट कहाँ पे करना है, सबसे पहले हमको उसके मिडिल पे रखना है। तो मिडिल कितना, अब हम इसको 5 क्लिक पे रखेंगे अंदर, 1 2 3 4
5। अब ये यहाँ पर ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा बाहर कर देंगे, अगर हम इसको ज़्यादा बाहर कर देंगे, ज़्यादा अंदर कर देंगे, अगर सपोज दैट अगर हमने इसको यहाँ पर कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, तो ये ब्रेक पैडल से टच नहीं रहेगा, ये खुला रहेगा, और जैसे ही खुला रहेगा तो ब्रेक लाइट स्टिल ऑन रहेंगी, और जैसे ही ब्रेक लाइट ऑन रहेंगी तो ये स्विच भी जल जाएगा और वहाँ उधर बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर। तो बस ओके, थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि सब इस सब अच्छे से फ़ायदा उठा सके इस नॉलेज का। सो ओके, थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं लाऊंगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। सो ओके, थैंक यू दोस्त।